तो फायरमैन की जो आपका रिक्वायरमेंट आया है इसे ऑफिशियल साइट पर अपडेट हो चुका है, लेकिन अपडेट जब नहीं हुआ था रिक्वायरमेंट के साइट पर, मैं उसके रिक्वायरमेंट की वीडियो भी ऑलरेडी बना चुका था। उस वीडियो आप नहीं देखे तो आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, उस वीडियो पर जरूर देखिए। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑफिशियल साइट पर इसका इंग्लिश लैंग्वेज की और हिंदी लैंग्वेज की दोनों लैंग्वेज की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। जो नोटिफिकेशन आया है इस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है और उसके साथ आपका सिलेबस क्या रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो बनाया हूँ। तो इस वीडियो के एंड तो बना रहे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 4 मार्च ही है, उसका लास्ट डेट है। और उसके साथ आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, पहले आपका फिजिकल होने वाला है और उसके बाद ही आपका रिटिन होने वाला है और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उसके बाद ही आपका मेडिकल होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, जो रिटिन होने वाला है वो कंप्यूटर बेसिक टेस्ट ही होने वाला है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी है इसका पे स्लिप रहने वाली है 21,700 से 69,100 ही रहने वाली है। देखिए आपका लेवल जो 3 लेवल की ही सैलरी मिलती है और आपका जो इंडियन सिटीजन कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं। और उसके साथ वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी ऑल इंडिया बेसिक ही रहती है, लेकिन उसका स्टेट वाइज ही वैकेंसी आया है, तो स्टेट वाइज ही वैकेंसी आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करें तो 120 मैन के लिए ये 10% उनका रिजर्वेशन रहती है। और उसके साथ आपका जो क्वालिफिकेशन बात करें तो ये 12th पास ही आपका क्वालिफिकेशन रहती है, साइंस की सब्जेक्ट उनका होना चाहिए। और एज क्राइटेरिया बात करें तो ये 18 से 23 उम्र की ही एज वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन SC ST है तो उनके लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलती है, OBC के लिए 3 ईयर की रिलैक्सेशन मिलती है, और एक सर्विस मैन के लिए 3 ईयर की रिलैक्सेशन मिलती है। और उसके बाद ही हम बात करें तो इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, फिजिकल में इसमें आपका 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना होता है, जो कि ये मेल कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं। और उसके साथ हाइट की बात करें तो 170 उनका हाइट रहने वाली है, और चेस्ट की बात करें तो ये 80 से 85 ही उनका चेस्ट रहने वाली है। और उसके साथ जो इस एरिया से वो बिलोंग करते हैं उनका 165 उनका हाइट रहने वाली है, और उनका चेस्ट 78 से 83 रहने वाली है। और जो ST कैटेगरी है ऑल ओवर इंडिया से उनका 162.5 उनका हाइट होना चाहिए, और उनका चेस्ट होना चाहिए 77 से 82 उनका चेस्ट होना चाहिए। और उसके बाद हम बात करें तो इसका जो सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस आपका जो रहने वाली है वो 100 क्वेश्चन तो 100 मार्क रहने वाली है। और उसके साथ आपका जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी पर आपका 25-25 मार्क ही रहने वाली है। तो 25 क्वेश्चन आता है रीजनिंग की, 25 क्वेश्चन आता है तो 25 मार्क ही मिलती है, और जो GK की 25 क्वेश्चन आता है 25 मार्क मिलती है, इंग्लिश मैथ की 25 क्वेश्चन आती है 25 क्वेश्चन 25 मार्क ही मिलती है। तो और उसके साथ जो इंग्लिश और हिंदी का जो बेसिक नॉलेज है तो उसी के ऊपर ही आपका टेस्ट होने वाला है। जो इंग्लिश पर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जो हिंदी में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, उनके लिए 25 क्वेश्चन रहती है, 25 मार्क रहती है। और उसके साथ जो टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 घंटे की टाइम मिलती है कि आपको एग्जीबिशन को कंप्लीट करने के लिए। और उसके साथ ये हम बात करें तो इसे नेगेटिव मार्क इसमें आपका नेगेटिव मार्क नहीं कटेगी, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं तो है। ये जो दोनों ही लैंग्वेज पर एग्जीबिशन कंडक्ट कर रहा है, जैसे कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों पर लैंग्वेज पर आप एग्जीबिशन दे सकते हैं। और इसके साथ हम बात करें तो आपका जो क्वेश्चन लेवल रहने वाली है वो 12th ही रहने वाली है, तो साइंस सब्जेक्ट के हिसाब से उनका स्टैंडर्ड के हिसाब से उनका क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए आपको प्रिपरेशन भी उसी तरह ही अच्छा ही करना है। नहीं तो आपका प्रिपरेशन आप नहीं करेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो तो बता दे रहे हैं कि आपका EWS UR और A-Service Man के लिए वो 35% रखे हैं कि क्वालिफाई करने के लिए, और SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 33% रखे हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन ये सब दिखावा है। लेकिन मेरिट लिस्ट पर आने के लिए आपको बहुत सारे मार्क में रखना चाहिए, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं या मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका फिजिकल में भी कोई मार्क नहीं मिलती है, सिर्फ आप रिटिन के मार्क बेसिस पर ही आप सिलेक्शन हो सकते हैं। तो इसलिए मैं 4 बुक ही आपको रिकमेंड करता हूँ, जैसे कि आपका मैथ पर RS अग्रवाल का जो मैथ है इसे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये जो मैथ है ये सारे सब्जेक्ट के लिए है, और बैंक PO से लेकर आपका रेलवे की रिक्वायरमेंट बोर्ड तरफ से जो भी टेस्ट होता है, ये सारे एग्जामिनेशन के जो भी जो मेन मेन क्वेश्चन है इसी बुक के अंडर आता है। तो इस बुक आपको मैथ की परचेस करना चाहिए। और उसके साथ आपको GK के बात करें तो इसमें आपका लूसेंट की GK सबसे अच्छा है, तो इसी लिए मैं GK के लिए इसे भी रिकमेंड करता हूँ। और उसके साथ आपको
बात करें तो आपका रीजनिंग की, आपका रीजनिंग का आर्यन का रीजनिंग बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपका जो 50 सेट मिलती है और एक सेट पर आप 50 क्वेश्चन मिलती है, टोटल 2500 ही क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना होता है, और 50 क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में मिलती है, तो आपको प्रैक्टिस करने पर बहुत अच्छा लगेगा, और उसके साथ आप सारे क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं, और उसके साथ आपको जो जनरल इंग्लिश के जो टेस्ट होने वाला है, जो इंग्लिश लैंग्वेज पर कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश देने के लिए चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए सही होगा, क्योंकि ये ग्रामर के साथ साथ बहुत सारे एग्जामिनेशन की भी देती है, जैसे कि उसका आप देखेंगे तो उसमें बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, सारे एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन इसी के बुक पर ही कवर किया है, और उसके साथ हम बात करें तो इस पर लुसेंट की भी एक हिंदी बुक, जो कि जो आपका जो हिंदी के टेस्ट देने वाला है, जो 25 मार्क उसका रहती है, तो इस बुक भी आप परचेस कर सकते हैं। ये सारे बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस पर आपको परचेस करने पर इस चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगी, और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ये बुक ही आपको बेहतर आपको बना सकता है, और आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, और उसके साथ ये सारे बुक को अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करिएगा, और उसके साथ आपका जो टेस्ट बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी अच्छी तरह से ठीक है, जो टेस्ट बुक से नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि फ्री में जो टेस्ट मिलती है तो उसे टेस्ट आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका कोई क्वेश्चन पर आपका वीक है, कहाँ पर आप स्ट्रांग है वो आपको बता देता है, कुछ क्वेश्चन पर आप जो टाइम ज़्यादा लेते हैं उसी के बारे में वो भी आपसे क्लियर बता देते हैं, तो इसलिए आपको टेस्ट बुक की टेस्ट जरूर देना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड तक बनाने के लिए, और उसके साथ आपका जितने भी फ्रेंड है सीए से परफॉर्म होने के लिए चाहते हैं तो उन्हें इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा।